हिंद भारत आपकी अपनी आवाज। नमस्कार, हिंद भारत न्यूज में आपका बहुत स्वागत और मैं हूं आपके साथ योगेश शर्मा। राजस्थान में सेना की फायरिंग रेंज में हुए धमाके में हंडिया तहसील के ब्लॉक सैदाबाद के गांव पहाड़पुर निवासी फौजी नंदलाल यादव शहीद हो गई। उनकी शहादत की खबर घर पहुंची तो स्वजन बिलख पड़े और गाँव के लोग भी गमगीन हो गए। शहीद का शव विमान से बुधवार देर रात प्रयागराज लाया गया। आज गुरुवार की सुबह सेना की टीम शव को लेकर गांव पहुंची। गांव में ही राजकीय सम्मान से शहीद को अंतिम विदाई दी गई। गंगा घाट पर पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार के वक्त ग्रामीणों की आंखों में आंसू थे। पहाड़पुर गांव के किसान राजदेव यादव के 6 बेटों में 5वें नंबर के 37 वर्षीय नंदलाल यादव सेना की 12 आर्म्ड रेजिमेंट यूनिट अंबाला पंजाब में सूबेदार के पद पर तैनात थे। इन दोनों यूनिट की एक बटालियन राजस्थान में फायरिंग ट्रेनिंग के लिए गई थी। उस ऑपरेशन के दौरान जिस टैंक से जवान जा रहे थे उसमें अचानक धमाका हो गया। इस दुखद घटना में उस टैंक में सवार सभी जवान शहीद हो गए। इस अनहोनी की जानकारी गांव तक पहुंची तो लोग दुखी हो गए। नंदलाल की शहादत पर बड़े भाई शिवशंकर यादव ने कहा कि उन्हें अपने भाई पर गर्व है। उन्होंने कहा कि आंसुओं का क्या करूं, वो छलक ही जाते हैं। शहीद की पत्नी पूजा का घटना के बाद से ही रो रो कर बुरा हाल है। शहीद सूबेदार की 13 वर्षीय बेटी लवी और 11 वर्षीय बेटा लकी है। नंदलाल का छोटा भाई भी सेना में तैनात है। आज गुरुवार की सुबह गांव में शहीद को राजकीय सम्मान से अंतिम विदाई दी गई। वहीं जिला प्रशासन की ओर से एडीएम सिटी मदन कुमार हंडिया, एसडीएम और पूर्व यूपी एमपी सब एरिया के अफसर व जवान सुबह गांव पहुंच गए हैं। कुछ देर पहले जवान का शव लेकर सैनिक गांव पहुंचे तो वहां जुटे लोग नंदलाल यादव जिंदाबाद, नंदलाल अमर रहे के नारे लगाने लगे। एसएसपी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी और डीएम भी वहां पहुंचे और शहीद को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद शहीद के पार्थिव शरीर का गंगा घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। फिलहाल के लिए इतना ही, जुड़े रहें हिंद भारत न्यूज के साथ। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें हिंद भारत। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।